जानकारी आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आज हम सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील के अंतर्गत कोरसर ग्राम पंचायत में आए हुए हैं। हरफरी से खैरा RCC रोड का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ कोरसर ग्राम पंचायत में भी जो है पुल का निर्माण किया जा रहा है, जो कि यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि जो पुल का निर्माण किया जा रहा है कंपनी द्वारा, वो ठेकेदार द्वारा जो काम किया जा रहा है बहुत गलत तरीके से किया जा रहा है। पुल में जो गहराई होनी चाहिए वो गहराई नहीं है और पानी भरा हुआ है गड्ढे में, उसी में ले आके मटेरियल जो मसाला बना के उस गड्ढे में डाल दिया जा रहा है, जो कि पानी की वजह से वो धुल जा रहा है, जो बहुत कमजोर है। हमारे साथ कई ग्रामीण बने हुए हैं इस गांव के, आइए हम इनसे मुलाकात करते हैं, इनका क्या कहना होगा। राजाराम तिवारी ग्राम पोस्टर से बोल रहा हूँ। ये जो पुल का निर्माण किया जा रहा है ये गहरीकरण बहुत कम मात्रा में लगभग 1 पाउंड मीटर के लगभग खनी गई है, जिसके वजह से इस पुल का जो निर्माण किया जा रहा है वो भविष्य के लिए बहुत अपूर्ण है, खतरेमंद है, इसलिए इस काम की गति जो है तो अच्छी नहीं है। हम गांव की ओर से कहना चाहता हूं कि इस काम को सही दिशा में करके और एजेंसी द्वारा सही किया जाए, इसलिए इसमें जो कुछ काम किया जा रहा भी अच्छा नहीं, तरीका इसका अच्छा नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो एजेंसी काम कर रही है वो अपना काम का जो है स्वरूप बदल के ढंग से करें, नहीं तो इस पुलिया का जो है भविष्य खतरे में। देखिए इनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि जो यहाँ पुल का निर्माण किया जा रहा है उसका गहरीकरण बहुत कम है, मटेरियल भी घटिया तरीके से डाला जा रहा है। जैसा इन्होंने कहा कि ये बहुत जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाएगी, ये पुल ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, इसलिए इनका कहना है कि ठेकेदार जो है इसका जो रवैया अपना बदले और सही तरीके से जो है इस पुल का निर्माण कराए। हमारे साथ कई ग्रामीण बने हुए हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना होगा। ये पुल बहुत ही घटिया तरीके से बनाया जा रहा है, जैसा कि पहले बना था उससे भी कम इसकी खुदाई हुई है, न्यू नहीं है, ऊपर ही ऊपर इसमें गिट्टी डाल रहे हैं और इसमें और मतलब खुदाई नहीं हुई है, केवल ऊपर ही ऊपर किए दे रहे हैं, बरसात में बह जाएगी। आप देख सकते हैं सभी ग्रामीणों का एक ही आरोप है कि इसमें खुदाई गड्ढा जो है बहुत कम किया गया है, इसकी गहराई और ज्यादा होनी थी। यानी पूरे ग्रामीणों का यही कहना है कि ये पुल की भविष्य ज्यादा दिन नहीं रहेगी। हमारे साथ और ग्रामीण बने हुए हैं, आइए हम उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। नहीं भाई, अभी मटेरियल लग रहा है पूरे रोड पर, बहुत ही कम है और इसी पानी में वो मटेरियल डाला जा रहा है, नीचे मिट्टी है इसलिए पकड़ अच्छी नहीं होगी और ये पुल कमजोर होगा, जो पूर्व में बना था उससे भी कमजोर होगी, इसलिए इसे थोड़ा देख करके इसको मजबूती दी जाए, क्योंकि रोड जो 4 महीने से बनी थी तो इस वक्त वो उजड़ रही है, ऐसा तो मटेरियल पड़ा हुआ है रोड का, ये स्थिति है। देखिए इनके द्वारा तो और गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। इनका कहना है जो RCC रोड का निर्माण यहाँ हो चुका है, 6 महीने के अंदर वो रोड उखड़ना शुरू हो गई है, यानी आप समझ सकते हैं कि उसमें काफ़ी घटिया मटेरियल का उपयोग किया गया होगा, जिसके वजह से 6 महीने में ही RCC रोड उखड़ रही है। ये बहुत अजीब बात है और इस पुल के बारे में भी इनके द्वारा जैसा बताया गया कि इसमें गड्ढा बहुत कम है और खुदाई होना चाहिए था, और इसमें जो मटेरियल डाला जा रहा है वो पानी में डाला जा रहा है, पानी में डालने की वजह मिट्टी में डालने की वजह से जो है उसमें पकड़ नहीं बनेगी, जिसके वजह से वो काफी कमजोर होगा। हमारे साथ और ग्रामीण बने हुए हैं, आइए हम इनसे मुलाकात करते हैं, इनका क्या कहना होता है। ये तो पूरी रोड ऐसी बन रही है भैया कि इतनी घटिया बन रही है, इसमें जितना भी मटेरियल लग रहा है जो फैक्ट्री से अलग से है, इतना घटिया मटेरियल है जिसके वजह से इस रोड की कोई भविष्य ही नहीं है। और ये जो हमारे गांव में पुलिया बन रही है तो महे घटिया बन रही है, इसमें तो इतना कचरा पड़ा है नीचे और उसके ऊपर पानी भी है और फिर भी उसी पर मटेरियल ले आके डाल देते हैं, ये कितना मजबूत होगा। आप देख सकते हैं सभी ग्रामीणों का एक ही आरोप है इस रोड के विषय में, सभी का यही कहना है कि बहुत कमजोर रोड बनाई जा रही है और ये पुल का जो निर्माण किया जा रहा है बहुत घटिया तरीके से किया जा रहा है, इसकी भविष्य बहुत कम होगी। ये सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील में हरफरी से खैरा RCC रोड के निर्माण का कार्य के जो खबर हम आपको दिखा रहे थे, ये रोड भी घटिया तरीके से और जो भी पुल का निर्माण किया जा रहा है बहुत ही घटिया तरीके से किया जा रहा है। कैमरामैन कंचन द्विवेदी के साथ मैं प्रदीप तिवारी, टुडे 24 न्यूज़।